हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो सेफ़ रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोगों को भी कोविड हो गया था। मेरी फैमिली में मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हम चारों लोगों को, छोटे छोटे बच्चे मेरे 1.5 साल के ट्विंस हैं, आप सब जैसा कि जानते हैं। तो हम सबको कोविड हो गया था। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, काफ़ी टाइम बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कंटिन्यूस, तो अब तो मैं रेगुलर रहूँगी। अब हम लोग रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये थालपोस बनाया है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, बिगनर फ्रेंडली है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। मैंने ये थालपोस बिगनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे चैनल पे और भी डिज़ाइन वाले थालपोस हैं, लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बिगनर्स के लिए भी कुछ अच्छा सा लेकर आऊं। और मुझे काफ़ी लोग कह भी रहे थे कुछ सिंपल सा और सादा सा डिज़ाइन टेबल मैट बना के बताऊं। तो देखिए, आगे मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि इसको किस तरह से बनाना है। और वूल भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं लगी है, 30 ग्राम के समथिंग इसमें वूल लगी है, 25-30 ग्राम वूल में ये बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक तो चाहो तो अभी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिएगा इस, यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल वूल ली है, वर्धमान की 4-ply वूल ली है। और देखिए, 11 नंबर का मैंने यहाँ पर लिया है क्रोशिया हुक। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे, एक गांठ बांध लेंगे, देखिए इस तरह से कुछ। उसके बाद देखिए, हम चेन्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 चेन्स लेने के बाद हम इसको फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक घेरा सा बन गया, ठीक है, गोला बन गया। अब यहाँ पर अब हम 3 चेन बनाएंगे, ये देखिए। इसके बाद इसी गोले में से हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो और एक ही जो हमने 3 चेन बनाई इसे मिला के हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो हम 16 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ये 2 हो गए, ये 3, 4, 5, इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे, टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाकर। ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है 16 डबल क्रोशिया बनाकर। अब ये हमने जो 3 चेन्स बनाई हैं उसमें से लास्ट वाली चेन, जो 3rd चेन है, उसमें हम इसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। इसके बाद 3 चेन्स ले लेंगे, ठीक है, और जहाँ से हमने चेन ली है उसी में से एक बार डबल क्रोशिया और करेंगे, ठीक है। जहाँ हमने ये 3 चेन ली हैं वहीं एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, तो हमारे पास टोटल 1 चेन में से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें से हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन 1 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि जितनी भी चेन्स हैं हमें हर चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो टोटल हमारे पास इस बार 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमारे पास 16 डबल क्रोशिया थे, अब 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है 32 डबल क्रोशिया बना के। इसके बाद ये जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से 3rd वाली चेन में मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, तो हमारे पास एक ये सर्कल बन जाएगा। अब ये हमारी 3rd रो है, 3rd रो में मैं ये 3 चेन्स लेने के बाद ध्यान दीजिए क्या करना है, 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी जहाँ से मैंने बनाया था उसके नेक्स्ट वाले से। देखिए फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। तो 3 चेन्स में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक एक बार। उसके बाद मैं 3 चेन ले लूँगी, फिर 1 चेन स्किप करके फिर मैं 1 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, ठीक है। 1 चेन स्किप कर दूँगी ये वाली, और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाऊँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन्स बनाऊंगी मैं यहाँ पे, फिर 1 स्किप करूँगी, उसके बाद फिर से मैं 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं ये इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले में भी मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी तरह से हम टोटल 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और इसी तरह से राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे।
हर बार हम यही करते हुए जाएंगे। ये थर्ड राउंड है और सेम प्रोसीजर रहेगा जैसा मैंने आपको बताया है। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम तीन चेन्स लेके, जो हमने तीन चेन बनाई थी डबल क्रोशिया वाली, उसमें से जो थर्ड चेन है उसमें हम जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से, ठीक है। अब हमारा फोर्थ राउंड है, तीन चेन्स ले लेंगे इस तरह से हम। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे जहाँ तीन चेन्स ली हैं। फिर नेक्स्ट वाले में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम तीन चेन्स ले लेंगे, एक दो तीन। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए पहले वाले में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। टोटल लास्ट रो में हमारे पास तीन डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास पाँच डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। पहले और लास्ट वाले चेन में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेंटर में बीच वाले में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तीन चेन्स बनाएंगे फिर से, एक बार देख लीजिए। देखिए इसी तरह से पहले और आखिरी वाले में ध्यान रखिएगा, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है तीन चेन्स के साथ। इसको हम स्लिप स्टिच से थर्ड वाली चेन में जॉइंट कर देंगे। देखिए अब नेक्स्ट राउंड में तीन चेन्स लेंगे। अब फिर वही करेंगे नेक्स्ट राउंड में हम, जो हमने पहली डबल क्रोशिया बनाई है और जहाँ हमने ये तीन चेन्स लिए हैं, इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि पिछली लास्ट रो में हमारे पास पाँच थे डबल क्रोशिया, इस बार हमारे पास सात डबल क्रोशिया होने चाहिए। दो डबल क्रोशिया हर बार हमारे पास बढ़ रहे हैं। अब देखिए लास्ट वाले में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले और लास्ट वाले में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, तभी ये लीफ का आकार आएगा इसमें बनके। फिर तीन चेन्स बना लेंगे। एक दो तीन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया, लेकिन इस वाली चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वाले में एक बार बनाएंगे। अब हम यहाँ तीन दो बार बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लग रहा है देखने में। टोटल हमने यहाँ ये तीन राउंड बना लिए हैं। देखिए पहले में तीन डबल क्रोशिया, फिर दूसरे राउंड में पाँच डबल क्रोशिया, फिर सात डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम टोटल पाँच राउंड बनाएंगे, तीन राउंड और बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने तीन राउंड और बना लिए और हर बार कॉर्नर के जो डबल क्रोशिया हैं उसमें मैं दो दो बार डबल क्रोशिया बनाती हुई गई हूँ। देखिए इस तरह से, तो पाँचवें राउंड में मेरे पास 11 डबल क्रोशिया आए हैं, ठीक है। यहाँ पे पाँचवें में 11 बार डबल क्रोशिया आए हैं। अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच से। पहला जो हमने डबल क्रोशिया लिया था उसमें हम सिंपल स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया ले लेंगे इसके बगल वाले में, और डबल क्रोशिया हम लेते जाएंगे नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, चेन है, उसमें से हम डबल क्रोशिया नहीं लेंगे, ठीक है। एक इधर स्किप करेंगे, एक इस साइड स्किप करेंगे। पहले हम बढ़ा रहे थे, अब हम डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम एक एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे। देखिए लास्ट वाला है, इसमें हम नहीं लेंगे डबल क्रोशिया, ठीक है, और फर्स्ट वाले में हम नहीं लेंगे। इस तरह से ये पत्ती का आकार आ जाएगा। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पांच चेन्स लेंगे, ठीक है। अब हम तीन चेन्स नहीं लेंगे, जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो तीन चेन नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम पाँच चेन, ठीक है। ये देखिए फाइव चेन लेने के बाद इसे हम जो तीन चेन्स हमने लिए हैं इसमें सिंगल स्टिच से
सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर इसके बाद फिर से हम एक बार पांच चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर से हम वही करेंगे, पहला स्किप कर देंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया लेंगे, पहला और लास्ट का स्किप करेंगे और बीच में सभी एक एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, इस बार हमारे पास यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया होंगे कि 2 डबल क्रोशिया हम डिक्रीज कर चुके हैं। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर से पांच चेन ले लेंगे, पांच चेन लेने के बाद एक इधर से स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया है और तीन चेन्स के साथ, और यहाँ थर्ड वाली चेन में हम इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें आगे भी राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए यहाँ पे तीन चेन लेने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, और सेम उसी तरह से जैसा हमने लास्ट रो में बनाया है, एक एक डबल क्रोशिया बस हम डिक्रीज करते जाएंगे। एक एक साइड से हर लीफ में डबल क्रोशिया हम घटाते जाएंगे, यानी कि बुनेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से, अब देखिए ये वाला हम छोड़ देंगे। फिर पांच चेन लेंगे, अगेन वही करेंगे। ये जो हमारे पास ये लूप्स बन गए हैं, इसमें अब हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर पांच चेन लेंगे, 2 3 4 5। फिर हम नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट जाली में जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे जालियों का क्रम बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम ये वाला स्किप करके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया ले लेंगे और लास्ट वाला स्किप कर देंगे। इसी तरह से हम राउंड को कंटिन्यू करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये वाला स्किप कर देंगे, तीन चेन्स ले लेंगे। बहुत आसान है ये बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बनकर आएगा। नेक्स्ट राउंड में, इस राउंड में हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हैं, नेक्स्ट राउंड में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट में 3, और फिर जब 3 डबल क्रोशिया रह जाएंगे उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको आगे कि क्या करना है। ठीक है, हर लूप में से हमें सिंगल स्टिच से जॉइंट करना है, हर लूप में हमें। देखिए पांच चेन्स बनाऊंगी मैं यहाँ पे, फिर यहाँ जॉइंट कर दूंगी, फिर पांच चेन बनाऊंगी, फिर सिंगल क्रोशिया से आगे जॉइंट कर दूंगी यहाँ पे, फिर पांच चेन बनाऊंगी, फिर सिंगल क्रोशिया से यहाँ जॉइंट कर दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। और अभी मैं यहाँ पे 2-3 राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ, जब तक कि यहाँ पे लास्ट में 3 डबल क्रोशिया ना रह जाएं, यानी कि 2 राउंड और कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है ये वाला राउंड। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिचेस हो गए लास्ट में। ठीक है, तो स्लिप करके ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे मैंने इसे जॉइंट किया, जॉइंट करके मैंने यहाँ तक इसे स्लिप किया। अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी, 3। ठीक है, अब इसी में से एक डबल क्रोशिया लूँगी, ये देखिए।
दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर से पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी, फिर पांच, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए यहाँ पे बनाते बनाते हमारे पास इतना राउंड आ गया है। फिर मैं इसे यहाँ पे जॉइंट कर दूंगी, एक दो तीन चार पाँच जॉइंट कर दूंगी, एक दो तीन चार पाँच फिर से जॉइंट करूंगी, एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे जॉइंट करूंगी, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए पाँच। अब सेम यहाँ पे बीच वाले में दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और ये दो, फिर से पांच चेन बनाऊंगी और यहाँ ज्वाइंट करूंगी, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए। अब सेम रिपीटेशन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, यानी कि हर जगह अब हम यहाँ पे इस बीच वाले होल में से चेन में से दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फिर यहाँ पर राउंड बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ये देखिए लास्ट में हमने एक चेन में से डबल क्रोशिया किए हैं दो बार। अब देखिए क्या करना है, एक दो चेन्स नहीं लेने हैं, सॉरी। अब हमें यहाँ से इसमें आना है स्लिप स्टिच करके, ये देखिए अब यहाँ तीन चेन्स, तीन, ठीक है। अब तीन डबल क्रोशिया करेंगे इसमें हम, ये देखिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ चार डबल क्रोशिया हो गए इसे मिला के। अब नेक्स्ट वाले में भी, ये जो नेक्स्ट वाला लूप है इसमें भी हम चार डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से। बीच में कोई चेन नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट वाले में चार डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से। अब हर लूप में से चार डबल क्रोशिया करते जाएंगे, इसमें से भी चार, इसमें से चार, इसमें से चार और इसमें से चार, सभी में से चार चार करते जाएंगे, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बनके कंप्लीट हो गया है ये वाला राउंड। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम जॉइंट कर देंगे इसको, ये जो हमने तीन चेन बनाई है थर्ड वाली चेन में हम जॉइंट कर देंगे इसको, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देख लीजिए कैसा लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं है, ये सारा सेट हो जाएगा अभी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। अब आगे देखिए क्या करना है, चेन लेंगे हम एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पांच चेन लेंगे और ये जो हमने चार चार बॉक्स बनाए हुए हैं यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे चेन को सिंगल क्रोशिया से, ये देखिए इस तरह से। फिर पांच चेन, एक दो तीन चार पाँच, फिर हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इसे, ये देखिए। फिर पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये जो बीच में ये जो हमने चार चार ब्लॉक्स बनाए इनके बीच में हमें ये जॉइंट करना है, ये देखिए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये चेन्स वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से।
अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो हमने बनाए हैं, ये जो चेन्स बनाई हैं ये पांच पांच वाली, तो इसके अंदर अब हमें देखिए पहले तो हमें यहाँ तक आना है। देखिए इसमें आ जाएंगे, अब तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद एक मिनट गाइस, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात आठ नौ, ठीक है। हमने यह नौ डबल क्रोशिया की, देखिए दो चार छः आठ और एक नौ, और एक ये तीन चेन जो हमने ली इसे मिला के हमारे पास टोटल दस डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद इसे हम ये जो दूसरा चेन है ये वाला दूसरा लूप, इसमें हम सिंगल स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये देखिए ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में इसमें हम दस डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये देखिए दस, ये देखिए टेन डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे फिर से की, और इस वाले में हम इसे जॉइंट कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा, तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है यहाँ पे। अब इसे यहाँ पे थर्ड वाली चेन के साथ जॉइंट कर देंगे, और ये हमारा लास्ट राउंड था। अब हम इसे बंद कर देंगे, मेरे पास सीजर नहीं है, मैं इसे ऐसे ही धागे को तोड़ देती हूँ। ये देखिए, और इसे पीछे ले जाके हाइड कर देंगे हम इसे। मैं बाद में कट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा थालपोस बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए ये बिल्कुल भी झोल नहीं है, ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद ये, और बिल्कुल बिगनर्स फ्रेंडली है, बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान है। ये इवन जो क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं ये वो भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा बन के आया है ये, और इसका साइज़ नॉर्मल साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है इसका ये। तो आप भी इसे बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। तो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से और सबसे पहले मिल जाए। देखिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।